हेलो जी, कैसे हैं आप सभी जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में जी। इस ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यह रहा हमारा आईडी, तो यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सभी से ढेरों बातचीत होती है, तो आप लोग भी वहाँ पर जुड़िए। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जनक मैया पार्वती, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, माँ गौरी, माँ गिरजा, माँ जनक नंदिनी, सीता महादेवी, माँ तारा, माँ बागेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ सिद्धिदात्री महादेवी, तो आज माँ जा रही है अपनी ड्यूटी पर, और माँ जब भी चली जाती है घर थोड़ा सूना हो जाता है। इस बार माँ आई तो 8-10 दिन के करीब रही, और घर में एक अलग ही चहल पहल हो जाता है, अलग ही रौनक आ जाती है घर में माँ के आने से। और माँ के जाने के बाद फिर घर सूना हो जाता है, और मेरे पापा जो है ज़्यादा बातचीत करते हैं नहीं, वो खुद में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं जैसे मेरा स्वभाव है। लेकिन जब माँ आती है तब उनसे मैं बात कर पाता हूँ। माँ जब जाती है बहुत मिस करता हूँ उन्हें। एक और मंदिर है हमारे मोहल्ले में ही, ये बजरंग बली का मंदिर, तो माँ यहाँ भी आती है। आज तो थोड़ा सवेरे आ गई है क्योंकि माँ को निकलना है, नहीं तो इसे 12 बजे के करीब आती है। पता नहीं, माँ को बता नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है जब मालूम चला है कि माँ जा रही है। बात है कि थोड़ा पहले से तैयार रहती तो अलग बात है। माँ ने अचानक से बोला कि आज निकल रही है, तो उनका कॉल आ गया था कि अब उनको ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए, इतना तो मालूम था कि माँ ड्यूटी पर जाएगी, लेकिन आज ही चली जाएगी ये पता नहीं था, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। आज माँ जा रही है अपने ड्यूटी पर वापस, लगभग 8-10 दिन तो रही है इस बार, और अचानक से फिर अब जा रही है, मुझे आज सुबह ही मालूम चला। अच्छा, मालूम चला ना, वो कैसे जा रही है? बोले हाँ, तो तुम उठाने के लिए बोल रही है हमको। बोले नहीं, सही में जाएगी। एक कमेंट जो बार बार आता है वो देखते हैं कि आपकी माँ जो आ रही है सरकारी पदाधिकारी है, और फिर भी इतना साधारण वेशभूषा में रहती है, तो क्या कारण है कि ऐसा साधारण वेशभूषा में रहती है तुम? अगर मैं अपने दिखावा में रहती तो आज मैं अपने बच्चे को जहाँ पहुँचाई वहाँ नहीं पहुँचा पाती। मैं सिर्फ भक्त हूँ, और मैं जमीन से जुड़ कर किसी बात को देखती हूँ, और मुझे दिखावा पसंद नहीं है, और उतनी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत मेरी नहीं थी कि मैं बच्चों पर उतना खर्च कर सकूँ। कहीं ना कहीं कटौती की जरूरत तो थी, इसलिए मैंने उसी को कटौती किया अपने को, और बच्चों सब पर मैंने खर्च किया। तो अब तो पहन सकती है, अब तो बाल बच्चा अपना अपना जगह सेट हो गया, तो मेरी आदत है, अब आदत बना ली, नियति है। अब बाल बच्चे पहनते हैं, और जब मैं वो देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि वही लोग पहने, भगवान उसको अच्छा जिंदगी दे, स्वस्थ शरीर दे, उज्ज्वल भविष्य दे। मेरे ही बच्चे को नहीं, संसार की जितनी भी माँ है, मैं सबके लिए माँ पार्वती और भगवान शिव से हर पल दुआ करती हूँ, किसी माँ को प्रभु मुझे रोते नहीं दिखाई। तो ज़्यादा समय इस बार शूट करने में नहीं बिताया, ज़्यादा समय साथ बैठकर बिताया हमने, तो सॉरी जी। अगर आप लोग चाहते थे कि माँ के साथ कुछ वीडियो डालें और हम नहीं डाल पाए, लेकिन अब जाते जाते माँ से कुछ तो संदेश ले लिए आप सभी के लिए, तो उम्मीद करते हैं माँ को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहेंगे जैसे आप लोग देते आए हैं। अभी पापा आए हुए हैं यहाँ थोड़ा मार्केट, तो मछली लेना था। जो मम्मी को लेने आ रहे हैं, मम्मी के स्टाफ सब, उनको भी मछली पसंद है, तो इसलिए घर में मछली बन रहा है। हम तो मछली खाते नहीं, ना ही मम्मी खाती है। पापा को तो बहुत मछली पसंद है, माँ को भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन माँ ने भी मछली खाना छोड़ दिया। माँ ने तो सब कुछ छोड़ दिया है, मीट मछली, जो भी मांसाहारी चीज़ होता है। और मैं सिर्फ अंडा खाता हूँ, मीट मछली मैं भी नहीं खाता। ध्यान है, ये जो स्लोप है ब्रिज, इसके ऊपर साइकिल चला कर जाते थे, तो जब हम लोग इधर से जाते थे, जब हम लोग उस साइड से आते थे, ऊपर सीधे चढ़ाई होती थी,
तो उस टाइम थोड़ा हालत ख़राब होता था चढ़ाने में, लेकिन उस पार जैसे ही पहुंच जाते थे तो फिर आता था वो ढलान जैसा आ जाता, इधर से चढ़ाई आ जाती थी और उधर से ढलान आ जाता था, तो वहाँ से फिर आराम से पैडल मारने की भी ज़रूरत नहीं और आराम से चल लेते थे। और उसी तरह होता था जब उधर से आते थे हम लोग, तो उस टाइम चढ़ाई हो जाती थी और इधर ढलान हो जाता था, तो वहाँ से लेकर के जहाँ तक ख़त्म हो रहा है पैडल मारने का ज़रूरत भी नहीं होता था, आराम से रिलैक्स करके आते थे। तो थोड़ी बहुत बचपन की यादें भी ताज़ा कर रहे हैं यहाँ पर। वो जो आप पीछे अंकल देख रहे हैं ना पीले रंग का कुर्ता में, वो अभी कुछ देर के लिए आए थे, वो आए अभी और कहे कि उनको लगा कि शायद मैं मीडिया में हूँ, इस तरह से तो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं मीडिया में नहीं हूँ, मैं वैसे ही वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर। सावन खत्म नहीं हुआ कि मछली शुरू हो गया। खाने वाला कौन है? खाली वो डैडी है। अच्छा गेस्ट जो आ रहे हैं वो यहाँ पर कटिहार में। भाई साहब जबरदस्त बारिश हो रही है, भयंकर बारिश नहीं कहते हैं, पीछे देखिए एकदम बारिश आ रही है। ये देखिए जी माहौल कैसी बारिश हो रही है, या तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है कटिहार में और या नहीं तो एकदम जबरदस्त गर्मी, ये हाल है यहाँ का। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, मम्मी के जो भी स्टाफ थे वो सभी आ गए हैं और वो सब खाना खाएंगे और खाना खाकर बारिश जैसे ही थमेगा वो सब निकल लेंगे। तो जाते हैं माँ के साथ कुछ समय बिता लेते हैं।